मोती राम मेहरा जी की यादगार जिहड़ी इतिहास के बड़ा स्थान रखती है, उन्हां दी याद च गुरद्वारा साहब इत्थे बनिया। जदों छोटे साहबजादे नूं ते माता जी नूं दुध पिलाया जांदा तां उहदा ही सज़ा मिलती है मोती राम मेहरा नूं कि पूरे दे पूरे परिवार नूं कोल्हू च पीड़ दित्ता जांदा। मोती राम मेहरा जी की यादगार जिहड़ी इतिहास के बड़ा स्थान रखती है, उन्हां दी याद च गुरद्वारा साहब इत्थे बनिया। जिदा असीं तुहानूं इतिहास दीआं अणगौलीआं थावां दे रूबरू कराउने आ। मोती राम जी की वड्डी शहादत है कि जदों परिवार विछोड़े तो बाद माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादियां नूं जिहड़ा सरहंद दे सूबेदार वल्लों कैद कर लिया जांदा, ठंडे बुरज दे विच सज़ा दित्ती जांदी है और भुखे रखिया जांदा। उस वक्त मोती राम मेहरा जी जिहड़े रसोईए सन और उन्हां दा परिवारक पिछोकड़ गुरु साहिबान दे शागिरदां विच गिणिया जांदा सी, पूरा परिवार गुरु साहिब दे नाल अपनी डूंघी शरदा रखदा सी, ते उन्हां वल्लों जदों छोटे साहिबजादे नूं ते माता जी नूं दुध पिलाया जांदा तां उहदा ही सज़ा मिलदी आ मोती राम मेहरा नूं कि पूरे दे पूरे परिवार नूं कोल्हू च पीड़ दित्ता जांदा, पूरे दे पूरे परिवार नूं कोल्हू च पीड़ के शहीद कर दिता जांदा। सिख इतिहास के विच सिख शहीदां दा नाम जिथे है उत्थे मोती राम मेहरा जी की शहादत भी एक बड़ा स्थान रखती है। अज असीं तुहानूं दर्शन कराउण लैके आए हैं उन्हां दे स्थान दे। हालांकि इहदे बिल्कुल सामने मोती राम मेहरा जी की दे गुरद्वारा साहब के बिल्कुल सामने हज़रत इमाम ए रबानी महबूब ए सुबानी अल मुनवर मस्जिद बनी हुई है, जिहड़े कि सिलसिले जिहड़े हुंदे सी नक्शबंदी सरहंदी सिलसिले दे पीर दी एक वड्डी पुरानी इतिहासक दरगाह बनी हुई है। इह स्थान सरहंद दे नेड़े दिल्ली तों लुधियाणा जिहड़ा मुख नैशनल हाईवे आ उहदे तों 5 किलोमीटर दे फासले ते पैंदा। चंडीगढ़ तों 50 किलोमीटर के फासले पर यह स्थान उपस्थित है। इतिहासक थां शहीदां दी धरती कही जांदी है।